हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग लूनर एक्लिप्स इन कैंसर। ये जो भी चंद्र ग्रहण लगा है उसका कैंसर राशि पे क्या प्रभाव और क्या असर पड़ता है, इसमें मैं आपका नियर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ क्लेम इट, अदरवाइज़ आप किसी और चैनल पर देख सकते हैं। एनर्जीज पे ध्यान दें, थिया पे ध्यान ना दें। सो लेट्स सी व्हाट टैरो डेक है फॉर यू कैंसर। द हाई प्रिस्टेस, 10 of Swords, 4 of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 3 of Wands। ओके, तो ये एक लव रीड है कैंसर। जैसे हम देख सकते हैं द हाई प्रीस्टेस हमारा मेजर खाना आया हुआ है। आप जो है पास्ट में कंफ्यूज हैं, आपके सामने कुछ ऐसे सच आए हैं या कुछ आपको अपने पार्टनर के रिगार्डिंग ऐसे झूठ पता चले हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते थे कि ओह मेरा पार्टनर मुझसे झूठ भी बोल सकता है, ओह मेरे पार्टनर का ये साइड भी है। जैसे आपने उनकी सिर्फ एक अच्छी साइड देखी थी, बुरी साइड देखी नहीं थी, या सिर्फ बुरी साइड ही देखी थी, अच्छी साइड देखी नहीं थी। टेक इट एज इट रेजोनेट्स। तो आपके आगे काफ़ी सारे सीक्रेट्स रिवील्ड हुए हैं उनके, एंड एक मिस्ट्री के फॉर्म में वो आपके सामने निकल कर आए हैं कि जैसे ओ ये मेरा पार्टनर है, ओ ये मेरा, मतलब मैं जिससे प्यार करती थी, ओ मुझे तो ये पता ही नहीं था, ऐसे काइंड ऑफ वाली मिस्ट्री। ओ ये ऐसा भी है, मैं तो यकीन ही नहीं कर सकती हूँ, ऐसे काइंड ऑफ एक्सप्रेशन एंड इम्प्रेशंस वाली चीज़ें आपके सामने आई हैं। एंड इन करंट सिचुएशंस आप जो है माइंड में उन चीज़ों को लेके इतना सोच के थक गए हैं कि आप इतना हर्ट एंड इतना पेन में हैं कि आपने फाइनली मूव ऑन करने का सोच लिया है इस चीज़ से कि आप फाइनली मूव ऑन करने वाले हैं एंड अपने लिए सेल्फ लव ढूंढते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने लिए खुशियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, पर्सनल लव करते हुए नज़र आ रहे हैं, मींस अपने पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी स्टोरीज इसमें हैं। एक स्टोरी ये भी बनती है कि क्या कहते हैं कि कुछ जो है आपको अपने पार्टनर से रिगार्डिंग या किसी से भी रिगार्डिंग कुछ सच पता चला है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे कि अच्छा ये बंदा ऐसा है। एंड राइट नाउ आप वो सारी चीज़ें छोड़कर जो है, फिर भी आप वो सारी चीज़ें दफना कर जो है उसको फ्यूचर में एक चांस दोबारा देंगे एंड उसके साथ हैप्पीली मूव ऑन करके एक हैप्पी लाइफ सेटल करेंगे। एंड बट इन करंट सिचुएशन, इन फ्यूचर मैं आपके लिए फॉर श्योर हैप्पीनेस देख सकती हूँ, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है एंड मुझे एन नंबर ऑफ स्टोरीज इसमें मिल रही हैं। तो इन फ्यूचर मैं आपको बस यही कहूँगी कि आपके लिए हैप्पीनेस ही है कैंसर। एंड इन करंट सिचुएशन आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ही हर्ट हैं, आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। थैंक यू सो मच।